हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने जा रहे हैं पेंटिंग, वो भी वाटर कलर से। तो जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि मेरे पास ये ड्राई वाटर कलर केक्स हैं और इन्हीं को वेट करके मैं एक पेंटिंग बनाऊंगी और वो होने वाली है डोरेमोन के प्लेग्राउंड की पेंटिंग। और मुझे पता है कि कई बच्चे डोरेमोन देखते होंगे और मुझे भी डोरेमोन बहुत अच्छा लगता है। डोरेमोन मेरा फेवरेट कार्टून है और मैं जब भी स्कूल से आती हूँ तो हमेशा खाना खाते खाते डोरेमोन ज़रूर देखती हूँ गाइस। एंड यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे होंगे कि मैं ग्रास में डिटेलिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, बट स्टिल ये इतना अच्छा नहीं बन पा रहा, बट हम कोई बात नहीं, हम इसको ग्लो अप देंगे और एक अच्छी सी पेंटिंग फाइनल में तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी वॉल्स में पेंटिंग कर रही हूँ, पाइप्स मैंने कर दी है और यहाँ पे हम थोड़ी डिटेलिंग करेंगे। और मैंने पहले से इसे पेंसिल से रफ स्केच बना लिया था नीट एंड क्लीन, जिससे कि पेंटिंग करने में आसानी रहे, बिकॉज़ बिना रफ स्केच के पेंटिंग करना तो बहुत ही हार्ड है, वो आर्टिस्ट ही करते होंगे, बट हम छोटे बच्चे इसलिए हम पहले रफ स्केच बनाएंगे और फिर उसके बाद पेंटिंग करेंगे। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि बस ऑलमोस्ट मेरी पेंटिंग कंप्लीट ही होने वाली है बस, लेकिन इसको कंप्लीट करने में काफ़ी अभी टाइम लगने वाला है, यानी कि वीडियो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। सो अभी आप देख रहे हैं कि पीछे के जो घर हैं उनमें मैं कलर भरना स्टार्ट कर रही हूँ, कलरफुल करना। एंड ये छत हैं जो इनकी, इनको मैं कलर भर रही हूँ। एंड प्लीज़ गाइज, आप मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को बिल्डअप होने में मदद कीजिए ताकि मेरे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएं। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो। एंड प्लीज़ गाइस, मतलब अधूरा वीडियो देखकर वीडियो बीच में से एंड मत किया करें, पूरा एंड तक देखा करें ताकि मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिल सके, आप लोगों का प्यार मिल सके, बिकॉज़ मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बातों के साथ साथ हमारी ड्राइंग भी कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आपको ड्राइंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।